बड़ी खबर, एसीएस के पाठक से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बातचीत करने वाले हैं। 31 जनवरी तक छुट्टी पर के पाठक इस वक्त हैं। आज सीएम हाउस के पाठक पहुंच सकते हैं, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं 8 जनवरी से छुट्टी पर के पाठक, और अब छुट्टी की तारीख 31 जनवरी तक जैसे बढ़ी उसके बाद हलचल तेज होती हुई। के पाठक को मनाने की कोशिश में अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुटने की बात सामने आ रही है। के पाठक के इनकार के बाद अब नए अधिकारी को जिम्मा देने की चर्चा भी बेहद तेजी से चलती हुई। अरविंद चौधरी और संदीप पौंड्रिक की चर्चा हो रही है, ये वो दो नाम है जो इस रेस में इस वक्त आगे नजर आते हैं। बिल्कुल, तो दोनों में से कोई एक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बन सकता है, लेकिन फिलहाल के पाठक से बातचीत करने की कोशिश, किसी भी वक्त सामान्य प्रशासन विभाग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है इस नए अधिकारी का। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बातचीत करेंगे के पाठक से, उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि के पाठक ने अपनी छुट्टी एक बार फिर से बढ़ा दी है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, के पाठक जिस तरीके की कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उनकी छुट्टी का एक्सटेंशन या बढ़ाया जाना, उनकी नाराजगी तो अब साफ हो चुकी है, क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आज और अब थोड़े ही वक्त में वो पहुंचेंगे? विभा, देखिए लगातार मैं जो अधिकारी हैं उनकी टीम के पाठक को मनाने में दो दिनों से जुटी रही। जैसे ही ये खबर आई है के पाठक ने फिर से छुट्टी की जो अवधि है वो बढ़ा ली है। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिख दिया है जिसमें 31 जनवरी की चर्चा हुई है। खुद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस बात की तस्दीक की कि 31 जनवरी तक के पाठक ने एप्लीकेशन दिया है। जो खबर आ रही है सामान्य प्रशासन विभाग ने या फिर मुख्य सचिव ने अब तक छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी। इस बीच खबर ये भी है कि के पाठक को अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने बुला लिया है, यानी अब नीतीश कुमार आखिरी बार के पाठक से बातचीत करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लौट जाइए विभाग, क्योंकि विभाग में लगातार चर्चा में थे के पाठक, और अच्छे काम के लिए ये कहीं ना कहीं अब बिहार की आम जनता के दिलों पर भी राज करने लगे थे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अब आखिरी बार प्रयास करेंगे, लेकिन जब के पाठक मुख्यमंत्री के सामने भी इनकार कर देंगे तो सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम भी कर लिया है। और जो दो नाम है, हमने पहले ही कहा है कि अरविंद चौधरी जो वित्त विभाग में प्रधान सचिव हैं, और इसके साथ साथ उद्योग विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संदीप पौंड्रिक, ये दो नाम जो है सरकार के स्तर से अब फिलहाल वैकल्पिक रूप से फैसला ले लिया गया है कि इन दो नाम में से जो है किसी एक को एसीएस, यानी रजनीश ये मानकर चलिए कि जो शिक्षा विभाग है इस विभाग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है, नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा अगर मुख्यमंत्री की बात पर एसीएस के पाठक फिर से विभाग में वापस नहीं पहुंचते उसके साथ ही। बिल्कुल, देखिए दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इससे पहले भी किसी प्रकार की बात होती थी, खुद के पाठक से बातचीत करते थे, और ये अंतिम रूप से के पाठक को फैसला लेना है कि विभाग में रहना है या फिर उन्हें छुट्टी पर जाना है, क्योंकि 31 जनवरी तक छुट्टी पर लंबी अवधि हो जाती है। ऐसे में सीएम जो है आखिरी बार पूछेंगे, अगर के पाठक फाइनली ना कर देते हैं तो निश्चित रूप से इन दो नामों में एक नाम पर सहमति बनेगी, और आज ही शाम तक उम्मीद रखिए कि सामान्य प्रशासन की तरफ से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। रजनीश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसने एसीएस के पाठक जैसे अधिकारी को नाखुश कर दिया, नाराज कर दिया, और अब विभाग मिलकर भी उन्हें मना नहीं पा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से के पाठक लगातार एक्शन रिएक्शन सस्पेंशन इसको लेकर जाने जाते थे, उसके बाद जो आजादी से ये काम करना चाहते थे उस आजादी पर कहीं ना कहीं विराम लगने लगा था। चाहे एमएलसी की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे, शिक्षक नेता की बात करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करेंगे, उनकी तरफ से लगातार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार हो रहा था, और के पाठक के कार्य पर एक्शन पर जो है लगातार सवाल उठ रहा था। ऐसे में के पाठक अब नाराज हैं और सिस्टम से नाराज हैं, ये साफ तौर से हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रभार का परित्याग किया था स्वतः, उसके बाद ही न्यूज 18 ने कहा था कि अब के पाठक का मोह भंग हो गया शिक्षा विभाग से, और जिसके बाद हमारी खबर पर मोहर लगी और उन्होंने छुट्टी की अवधि बढ़ा दी, ना कि 17 या 18 तारीख से। वो सवाल ये भी कि जो आदेश इनकी तरफ से जारी हो रहे थे, और अगर उस आदेश को वापस किया जा रहा था तो उसमें बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, सरकार के अधिकारियों से चर्चा के ये फैसला तो हो नहीं रहा होगा, तो क्या एक सिर्फ औपचारिकता मात्र है जो मुलाकात के तौर पर थोड़ी देर में नजर आएगी मुख्यमंत्री और एके पाठक के बीच में?
देखिए ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी सूबे के मुखिया हैं, और ऐसे में के पाठक जब भी कोई बड़ा फैसला लेते थे, विरोध होता था, सीएम नीतीश कुमार बीच में आते थे और उसके बाद वो फैसला वापस हो जाता था। ऐसे में के पाठक को आखिरी बार सीएम नीतीश कुमार, अभी जो संज्ञान आया है उसमें बुलाया गया है उनको, और के पाठक से आखिरी बार बातचीत होगी और समझाया जाएगा। के पाठक अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नए एससीएस को जिम्मा मिलेगा। ये देखना शाम तक जो दिलचस्प होगा विभाग। लेकिन ये बात तो तय हो गई रजनीश की जिस आजादी के साथ जिस तरीके के फैसले के पाठक ले रहे थे, अगर उनकी वापसी भी होती है तो उस तरह का फैसला वो स्वतंत्र तौर पर ले पाएंगे, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। देखिए के पाठक जो है कहीं ना कहीं नाराज हैं, और नाराजगी की वजह सिर्फ और सिर्फ है उनके काम पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना, दखलंदाजी करना, जो वो एक्शन लेते थे उसका विरोध होना। तो जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो लड़ाई शुरुआत में देखी गई थी, वही लड़ाई एक तरह से अब इंटरनल जो है वो अब के पाठक को दिख रही है, और के पाठक यही वजह है कि नाराज है, और नाराजगी होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था के जो सिस्टम जो है उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, चाहे वो नए शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर हो या शिक्षकों के बीच जो मनोवैज्ञानिक रूप से असर हो, वो दिखने लगा है। के पाठक के रहने और नहीं रहने का जो फर्क है वो विभाग से लेकर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में भी दिखने लगा। तो कुल मिलाकर सरकार बीच में आ गई है। नीतीश कुमार अगर बातचीत करते हैं, समस्या का हल होता है, तो फिर से के पाठक आपको शिक्षा विभाग में दिखेंगे, नहीं तो नए अधिकारी आपको एसीएस के रूप में नजर आएंगे। रजनीश, नीतीश कुमार खुद बातचीत करने वाले हैं के पाठक से, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या बात रख सकते हैं, किस तरीके की बदलाव की बात कर सकते हैं के पाठक से कि वो इस विभाग में बने रहे? देखिए मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो अंतिम फैसला है, और मुख्यमंत्री के बिना सहमति के किसी भी विभाग में, चाहे वो एसीएस हो या फिर सचिव रैंक के अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होती है। ये बड़ा पद है, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जैसे पद पर एसीएस को काबिज करना ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। अगर मुख्यमंत्री मना लेते हैं, के पाठक मान जाते हैं, तो निश्चित रूप से के पाठक फिर से नजर आएंगे। लेकिन अगर के पाठक अपनी जिद पर कायम रहते हैं कि हाँ वो उन्हें आजादी चाहिए और उनके काम में, आखिर में एक सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चुनाव नजदीक हैं, उस लिहाज से भी के पाठक की कार्यशैली नाराजगी को पैदा कर रही थी, जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे, इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए भी ये बदलाव अगर भविष्य में दिखता है तो संभव है? देखिए कह सकते हैं, क्योंकि जो के पाठक का काम है 80% काम का विरोध नहीं हुआ, कुछ ऐसे आदेश हैं स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, छुट्टियों में कटौती को लेकर, कड़ाई को लेकर, तो इन चीजों का विरोध हुआ। शिक्षकों में भी लगभग 80% शिक्षक जो हैं वो के पाठक के फैन हैं, और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले उनके जन्मदिन को लेकर शिक्षकों ने फेसबुक से लेकर ट्विटर पर बधाई दी। तो रजनीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, क्योंकि मुलाकात होती है तो क्या एसीएस के पाठक जो है उन्हें मना लिया जाता है या फिर एक नए अधिकारी को नई जिम्मेदारी दी जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।